कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में पिछले मंगलवार को तिफरा नगर पालिका में जमकर प्रदर्शन किया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस कमेटी और पार्षद दल ने 4 सूत्रीय मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें संपत्ति कर में बेतहाशा वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती, तिफरा मुख्य मार्ग से बाजार चौक तक सड़क निर्माण एवं तिफरा रेलवे फाटक को खोलने की मांग शामिल है, मगर मामले में शासन द्वारा कोई कार्यवाही अभी तक न होने से कांग्रेस कमेटी ने उग्र आंदोलन करने का चेतावनी दिया है। तिफरा नगर पालिका में सबसे एक प्रमुख समस्या था कि रेलवे फाटक जो तिफरा को बंद किया गया उसको खोला जाए। जब भिलाई का रेलवे फाटक खुला हुआ है तो यहाँ यातायात की समस्या के देखकर जिला प्रशासन और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, उनको इस विषय में ध्यान देना चाहिए और इस रेलवे फाटक को किसी भी कंडीशन में खुलवाना चाहिए ताकि यहाँ पर यातायात सामान्य हो सके। इसी प्रकार अघोषित बिजली कटौती को लेकर हमने बिजली ऑफिस का भी घेराव किया था कि बिजली ऑफिस में बिजली रहेगा और तिफरा में और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती रहती है, इसको कर हमने आंदोलन किया था कि घटिया ट्रांसफार्मर की खरीदी बंद करो और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तिफरा निवासियों का कहना है कि ये 4 सूत्रीय मांगे तिफरा की जनता के हित के लिए है, जिससे शासन को इन मांगों को पूरा करना होगा, वरना इस बार कांग्रेस कमेटी और तिफरा की जनता उग्र आंदोलन करने में बाध्य होगी और एक बड़े पैमाने पे आंदोलन छेड़ा जाएगा। रोड के पीडब्ल्यूडी सड़क के मामले में और सीएसएबी में जो विद्युत कटौती के मामले में और जो फाटक खोले जाने के मामले में हम लोगों ने अब उच्च स्तर के अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इधर नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि विपक्षीय पार्टी तिफरा में हो रहे विकास को लेकर हैरान है, इसलिए कांग्रेस कमेटी अपना श्रेय पाने तरह तरह की तरकीबें अपना रहा है और धरना प्रदर्शन जैसे कार्य कर रहा है। विकास कार्य तो होगा बिल्कुल, यहाँ पर किसी को कोई शिकायत नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे नगर पालिका में विकास के लिए 5 करोड़ आया है और स्वीकृति तो आ गया है, पर अभी फंड नहीं आया है, इस नाम से अभी रुका हुआ है। जैसे फंड आ जाएगा लगातार काम चालू रहेगा। लिहाजा कांग्रेस कमेटी ने 1 सप्ताह के भीतर फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है ताकि इनकी 4 सूत्रीय मांगे जल्द पूरा हो सके। कैमरा पर्सन पुष्प रंजन कश्यप के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज़, बिलासपुर।